वेलकम टू एजुकेट ऑल इंडियंस। एजुकेट ऑल इंडियंस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है अभी अभी। यूपी ट्रिपल एससी में जो बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट कब आएगा वीडियो का, तो पूरी नोटिस आ चुकी है वीडियो का रिजल्ट कब आएगा, या यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम कब होने हैं, कब उसका रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम कब होगा। जितने भी पुराने एग्ज़ाम अब तक बाकी थे 2016 से लेकर के, सबकी पूरी नोटिस आ चुकी है कौन सा एग्ज़ाम कब होगा और कब उसका रिजल्ट आएगा। पूरा कैलेंडर आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी का। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत खुशखबरी की बात है। जो वीडियो का वेट कर रहे थे कि वीडियो का रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी नोटिस आ चुकी है कि कब वीडियो का रिजल्ट आएगा। ये आपके सामने नोटिस ओपन होके रखी है। ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 2019 के आगामी 6 माह, ठीक है, जुलाई माह से दिसंबर माह में आयोजित की जाने लिखित परीक्षा निम्नलिखित में अर्धवार्षिक कैलेंडर में परीक्षाओं के नाम के सम्मुख अंकित तिथियों में आयोजित किया जाना है, प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आपके सामने दिया है, पूरा कैलेंडर आ गया है। लिखा है कि सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन, इसका जो पेपर ये 2016 का, इसका एग्जाम होगा 28 जुलाई 2019 को, रविवार को इसका एग्जाम प्रस्तावित है कि अब तक हो इस डेट को होगा। गन्ना पर्यवेक्षक 2016 वाला जो सामान्य चयन का एग्जाम 31 अगस्त 2019 को होगा। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगियात्मक परीक्षा 2019, इसका एग्जाम 14 से 15 सितंबर को होगा। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का एग्जाम 25 सितंबर को होगा। सम्मिलित तकनीकी सेवा, इसका एग्जाम 6 अक्टूबर को होगा। सभी लोग देख लें कि लिस्ट पूरी आ चुकी है, किसका कब एग्ज़ाम होना है ये अभी से बता दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग तैयारी शुरू कर दें जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाला है, डेट पहले से पता चल गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका जो एग्ज़ाम था 2016 वाला, ये 12 अक्टूबर को होगा। कनिष्ठ सहायक प्रतियोगितात्मक परीक्षा 3 नवंबर को होगी, कनिष्ठ सहायक की, ठीक है, जो आपका ये जूनियर ये कनिष्ठ सहायक जो होते हैं उनका जो होगा ये सामान्य चयन 2019 जो अभी फॉर्म आया है उसका एग्ज़ाम 3 नवंबर 2019 को होगा, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम अभी फॉर्म चल रहा है जो, ठीक है। आगे आएंगे, सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद, ठीक है, ये जो 2016 का है इसका 24 नवंबर को होगा एग्ज़ाम। और सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन, इसका जो एग्ज़ाम 8 दिसंबर 2019 को होगा, ठीक है। और अगला है राज्य कृषि मंडी उत्पाद मंडी परिषद, ठीक है, संयुक्त वर्ग प्रतियोगितात्मक परीक्षा, जिसका एग्ज़ाम 24 दिसंबर को होगा, ठीक है। ये सारी डेट्स आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं दूसरी लिस्ट, दो लिस्ट आई हैं, एक लिस्ट और है। इस लिस्ट में आपको सारी जो परीक्षाएं हैं, सारी परीक्षाओं का जो शुरू से लेकर आखिर अभी तक जितने भी पेंडिंग हैं और जो आने वाली, वो सारे इसमें दिए गए हैं। देखिएगा, अबकारी सिपाही जो 2016 में ये फॉर्म आया था, ठीक है, ये इसका जो है वर्तमान स्थिति क्या है, 25 नौ 2016 को स्क्रीनिंग परीक्षा संपन्न हुई थी और अब क्या है, सतर्कता जांच प्रचलित है इसमें, ठीक है, ये काम हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सम्मिलित सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक जो 2016 में था, 10/12/2018 को इसका साक्षात्कार हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ का चयन परिणाम घोषित किए जाने पर स्थगन आदेश है, ठीक है, क्या कार्रवाई चल रही है हर पेपर पर, ये सारा दिया गया है इसमें, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं नलकूप चालक जो 2016 में था, इसका 2 जुलाई 2019 के तृतीय सप्ताह में, ठीक है, अभिलेख सत्यापन संभावित है, ठीक है, जो अभिलेख सत्यापन है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जुलाई 2019 के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। आगे आते हैं, सम्मिलित प्रयोगशाला प्रविधिक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016, ये 15/6/2019 को परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था और जुलाई 2019 के प्रथम पक्ष में, ठीक है, आवंटन या संस्तुतियों का प्रेषण संभावित है, ठीक है। गन्ना पर्यवेक्षक 31 अगस्त 2016 को लिखित परीक्षा संभावित है, गन्ना पर्यवेक्षक वाली। वाहन चालक के लिए अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन से मार्गदर्शन प्रतीक्षित हुआ है 2016 वाले का। इसी तरह सारे दिए गए हैं, ये आपको और बता दें इसमें,
ये यहाँ पर देखिएगा, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा, इसका आवेदन पत्र के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। 28 जुलाई को लिखित परीक्षा संभावित है इसकी, ठीक है। और जो सम्मिलित तकनीकी सेवा जो है, इसका आवेदन पत्र का सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। माह अगस्त में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजन प्रकाशित किया जाना संभावित है। अगस्त में इसको बता दिया जाएगा कि कब परीक्षा होगी इसकी, ठीक है, और पाठ्यक्रम दे दिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर वो जो देखें, उसका जो है आवेदन पत्र सत्यापित हो चुका है। अगस्त माह में पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। आगे आते हैं, ये है सम्मिलित अशुलिपिक जो थे वो 14/6/2019 को उत्तर कुंजी इसकी आ चुकी है। अगस्त 2019 के प्रथम पक्ष में अशुलिपिक एवं टाइपिंग है, तो आहार्य अभ्यर्थियों का परिणाम संभावित है, इनका अगस्त में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए सहायक सारे दिए गए हैं ये आपके सामने। ये सम्मिलित अभी ये एग्जाम हुआ था, व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण वाला, इसका 26/2/2019 को शारीरिक परीक्षण हेतु तो आहार्य पाए गए अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित भी हो चुका है, और जुलाई के द्वितीय पक्ष में शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी। अब बात करते हैं वीडियो वाले की, ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एवं समाज कल्याण जो एग्जाम हुआ था 2018 वाला, 16/5/2019 को अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई थी, और जुलाई 2019 के द्वितीय पक्ष में अभिलेख सत्यापन हेतु तो अभ्यर्थियों का परिणाम संभावित है, ठीक है। यानी कि जुलाई के सेकेंड वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और अधीनस्थ कृषि सेवा के लिए ये इसके बारे में भी दिया है, जो कृषि वाले कृषि सेवा वाला है, इसका जो है अगस्त 2019 के द्वितीय सप्ताह में परिणाम आ जाएगा, ठीक है। जो राज्य कृषि उत्पादन मंडी है, इसका भी आ जाएगा। ये आपके सामने लिस्ट है, आप देख सकते हैं, टोटल 24 है। कनिष्ठ का सहायक सामान्य दो जो 2019 वाली है स्टेनो वाला, उसका माह अगस्त 2019 में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजन प्रकाशित किया जाना संभव है। तो ये टोटल पूरी लिस्ट थी, आपको मैंने बता दिया कि UP SSSC जो आगे आने वाले एग्जाम कब होंगे, कब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हर एग्जाम की लिस्ट कब आएगी, या कब उसका एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, ये पूरा लिस्ट आ चुका है। जब जितने भी अभी तक एग्जाम इनके पेंडिंग है या जो एग्जाम चल रहे हैं, सबकी पूरी लिस्ट आ चुकी है। तो बहुत खुशखबरी की बात है, जो भी जिन लोगों ने UP SSSC के फॉर्म में भरे हैं, वो देख सकते हैं अपना आपका रिजल्ट कब आएगा, आपका एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों ये था वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी की पल पल की अपडेट दी जाती है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कोई भी नोटिस आती है सबसे पहले हम आपको वीडियो बना के बताते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।